नमस्कार आदाब सत श्रीकार, मैं हूं दानिश अदा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज। बुरहानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बुरहानपुर नगर निगम के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरोहर पर वार्डवासी कितने खुश है ये जानने के लिए बीएनसी ने लेकर है आपके लिए खास पेशकश, मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बुरहानपुर के 48 वार्डों की जनता की क्या समस्या है और उनसे आपको रूबरू कराया गया, ये जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं बुरहानपुर के वार्ड नंबर 11 शास्त्री वार्ड ये कहलाता है। बात करेंगे यहाँ की जनता से, क्या उनकी समस्याएं थी, पुराने पार्षद उनकी समस्याओं पे कितने खरे उतरे हैं। क्या नाम है आपका? नागेश दला। ये बताइए इस वार्ड की क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो भी पानी की है, इसकी जो साफ सफाई, उसकी सबकी समस्या, वो तो है कि मुझे समस्या है। आएंगे आने पे देखें पुराने पार्षद को लेकर क्या कहेंगे, क्या काम किया उन्होंने? पुराने पार्षद जैसा जो काम किया है, काम तो किया था उन्होंने, जो उनकी जो योजना थी वो पास करवाया जाता है लोगों को, जो मकान के इसके उसके। आपका नाम क्या है? वसंत दलाल। ये बताइए इस वार्ड की क्या समस्या है, पुराने पार्षद को लेकर क्या कहेंगे आप? पुराने पार्षद ने तो काम अच्छा ही किया है और बीजेपी यहाँ पे काम बहुत अच्छा करती है, तो इस बार भी बीजेपी आएगी। अभी जैसे ही यहाँ पे गड्ढे थे तो ये बताया गया, तो उन्हें तुरंत गड्ढे अपने घर से मलबा बुलवा के भरवा दिया गया। पुराने पार्षद अपने घर से मलबा बुला के भरवा, पुराने पार्षद ने, अभी नए बनने वाले पार्षद ने, जो आने वाले पार्षद है, उन्होंने बिल्कुल अपने घर से मलबा बुलवा के, मकान का मलबा डलवा के बिल्कुल वो लेवल करवा दिया। कई गाड़ियाँ गिर गई, बुलेट गिर गई थी एक बार 3 दिन पहले ही। नुकसान होता था यहाँ पे, बहुत नुकसान होता था यहाँ पे, किसी को समस्या दिखती नहीं यहाँ पे। बाकी क्या है कि जो पार्षद है बस सिर्फ वही, अब ये वो पुराने पार्षद का क्या कार्यकाल चला गया था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए थे। वो बोले समस्या मेरी नहीं है अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, कोरोना काल के बाद ही ख़त्म हो गया था उनका, तो इसलिए अभी ये नए पार्षद जो बनने वाला है तो उन्होंने बताया कि भैया मैं करवा देता हूँ, तो बोले तुरंत करवा दो तो ज़रा अच्छा रहेगा। आने वाले पार्षद से आपको उम्मीद है कि इस वार्ड का अच्छा खासा विकास करें? विकास तो बहुत अच्छा करें, बहुत बड़ी टीम है उनके पास और बहुत अच्छे स्तर पर काम करेगी वो। क्या नाम है? बसंत दलाल। आप क्या कहेंगे? यही है, पानी की समस्या है कि जो आने जो नए खड़े रह रहे अभी तो वो पूरी कर दी है, कोई भी आई वो जैसा तो दूर दूर से पानी ले लेके आ रहे क्या, जैसे दूर दूर से हमारी पेप लेन दूसरी भी और लगवाने हमको क्या, और जो नाली की गंदगी है, जो कचरा है वो उठ रहा नहीं, वो कर ली किए जाएगी। आपका क्या नाम है? बाबू भाई पेंटर। ये बताइए कि इस वार्ड की क्या समस्या है, पुराने पार्षद को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, पुराने पार्षद ने तो काम बहुत अच्छा करा है, अब जो रोका हुआ है हमको ये उम्मीद है हमारे मुन्ना भाई से कि काम उससे अच्छा करेंगे। और सज्जन लोग भी है, बेहतरीन आदमी है, समझदार आदमी है, इन्होंने वादा करा हमसे कि जो पुराने पार्षद के रुके हुए काम है मैं पूरी ताकत लगा के पहले वो काम आपके करवाऊंगा। आने वाले पार्षद से उम्मीद है आपको? जी, उम्मीद है आने वाले मुन्ना भाई से हमारे, उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है उनसे और बहुत अच्छा कार्य करता है, काम करेगा वो, यूँ क्या है बेहतरीन है। उन्होंने हमको दिया आश्वासन दिया है कि भाई मैं आपके काम जो रुके हुए, जो भी योजना के जो बेचारों के है वो सब काम मैं करवाऊंगा आने पर। हाँ, क्या नाम आपका? बाबू भाई पेंटर बनंद। आप क्या कहेंगे? समस्या तो ऐसी वार्ड में इतनी कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि पुराने पार्षद ने भी अच्छा काम किया है और आज अभी भी जो संभाल दे रहे हैं वो, और पार्टी से हमको ज़्यादा उम्मीद है, बीजेपी पार्टी से काम की, विकास की ज़्यादा उम्मीद है। हमारा जो मुन्ना भाई है ये भी क्या विकास के पुत्र है, विकास ही करेंगे वो, काम ही करेंगे वो, विकास के अगला उनको कोई काम समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि यार उनके परिवार भी पूरा सेवा में ही है सब। पुराने पार्षद को लेकर क्या कहेंगे? पार्षद तो काम किया, अच्छा किया, काम किया है पार्टी लेवल से, पुराने पार्षद ने भी अच्छा काम किया, बीजेपी के है और अभी भी बीजेपी अच्छा काम कर। आपका नाम क्या है? मक्तुम साहब। क्या समस्या है इस वार्ड की? समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ हो जाएगा। आने वाले पार्षद से उम्मीद है आपको? बिल्कुल है। क्या नाम आपका? मक्तुम साहब। तो ये जनता थी यहाँ की शास्त्री वार्ड की, वार्ड नंबर 11 ये कहलाता है, जहाँ पर हमने जनता से ग्राउंड जीरो के माध्यम से जाना है कि उनकी क्या समस्याएं थी, पुराने पार्षद कितने खड़े उतरे थे। बात करेंगे जनता से कि पुराने पार्षद को 10 में से कितने नंबर वो देंगे, पुराने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से समझो 8 नंबर तो पक्के हैं उनके। अच्छा। क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, जिसमें समस्याएँ जितनी भी थी, जितनी किस्तें बाकी थी, पेंशन योजना थी, सभी दी उन्होंने और किसी को मतलब नाराज़ नहीं करा,
कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने काम करते रहे, अपने स्तर पे काम किया उन्होंने। आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 7। 7 नंबर देंगे आप? कितने देंगे? कितने नंबर देंगे 10 में से पुराने पार्षद को? 11। 10 में से 11 देंगे? पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? आप कितना सक्सेस किया ये? अरे देंगे ना, देंगे। आप कितने नंबर देंगे? 7 तो देंगे। अच्छा 7 देंगे। आप कितने देंगे? 5। 5 नंबर देंगे। आप कितने देंगे? आप 9। 9 नंबर देंगे। कितने देंगे आप? 8। अच्छा 8 नंबर देंगे। आप कितने देंगे? 9। अच्छा 9 नंबर देंगे। तो ये शास्त्री वार्ड की जनता है जो पुराने पार्षद को लेके बताया है कि हम उनको अच्छे खासे नंबर देंगे हैं। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए बीएनसी न्यूज़ के जुड़े रहे। बीएनसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ दानिश अज़ा खान और मौजूद हमारे साथ में इस वार्ड के बीजेपी के कैंडिडेट जिनसे जानेगा अगर वो पार्षद बन जाते हैं क्या विकास करेंगे इस वार्ड का। क्या नाम है आपका? नितेश रोशन दलाल। भैया ये बताइए कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जनता एक बार फिर मौका देती है, क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है, हर घर की जो समस्या है, साफ़ सफाई। तो सबसे पहले तो अपन जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी का नारा है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, उस ओर हम काम करेंगे अधिकतर। और आज के टाइम में देखा गया है कि पूरे बुरहानपुर में एक समस्या खुलकर आई है कि जो वाटर लेवल कम हुआ है, तो उस वाटर लेवल को देखते हुए जो भी मकान की जो परमिशन होगी उसमें अपन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करवाएंगे, जिससे अपने जो जो आज ज़मीनी स्तर पर जो 1200 फीट जो नीचे पानी चला गया है, तो वो वाटर रिचार्जिंग का काम करवाएंगे हर घर में। और वार्ड को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह प्लांटेशन का भी एक मेरा मतलब बहुत पुराना एक सपना है, तो उसे भी पूरा करेंगे। और वार्ड में जो आज जो योजनाएं चल रही है उस वजह से वार्ड में कई जगह बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, तो उस गड्ढों को मतलब पूर्ण रूप से उसको ख़त्म करवा के उसको रिपेयर करवाना है, जिससे कई मतलब आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। और क्या समस्याओं का जो वार्ड वासी समस्या थी उनका जो? वैसे तो हमारा वार्ड पूरी तरीके से संपन्न है, लेकिन जो भी समस्या रहती है वार्ड वालों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के मैं काम करने का प्रयास करूँगा और इनके साथ में मिलकर काम करूँगा। नितेश रोशन दलाल।